हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, यूके त्रिपालसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की भी आबकारी और प्रवर्तन सिफाई के फिजिकल यहां पे छूट गया था, उनके लिए एक और मौका दिया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूके त्रिपालसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक विज्ञप्ति जारी की है और इसमें आज की डेट इन्होंने यहाँ पर डाली है, आप देख सकते हैं 1 मार्च की डेट डाली हुई है। तो इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है कि 27 तारीख सबको पता होना चाहिए कि प्रवर्तन सिपाही और आबकारी के फिजिकल यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो कई जो अभ्यर्थी थे इसमें अनुपस्थित पाए गए, तो इस वजह से जो अभ्यर्थी यहाँ पे छूट गए थे उनके लिए यहाँ पे फिर से एक एग्ज़ाम जो फिजिकल की डेट है वो निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट गए अभ्यर्थियों के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय तिथि दिए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे दिया गया कि उत्तराखंड राज्य सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2019 से प्रदेश में 8 जनपदों के पदनाम आबकारी सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही की शारीरिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। वर्तमान में शारीरिक परीक्षण इन जिलों में चल रहे हैं, किंतु यदि कोई अभ्यर्थी किसी उचित कारण से निर्धारित तिथि पर शारीरिक परीक्षण में भाग नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए एक अतिरिक्त दिन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं हो सकी थी। इस दृष्टि से इन 8 जिलों में उचित कारण से छूट गए अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार एक एक दिन और नियत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जिन अभ्यर्थी के यहाँ पे छूट गए थे या फिर कोई उस डेट पे नहीं पहुँच पा रहे थे तो उनके लिए एक और डेट निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो पिथौरागढ़ वाले इनका छूट गया है या फिर जो नहीं पहुँच पाए थे तो उनके लिए देखिए यहाँ पे 8 मार्च का टाइम दिया गया है। तो छूट गए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय, तो 8 मार्च को आपको जो पिथौरागढ़ वाले हैं वो 8 मार्च को यहाँ पे फिर से एक बार शारीरिक परीक्षा दे सकते हैं जिनका छूट गया है। तो इनका जो शारीरिक परीक्षा होगा ये श्री सुरेंद्र सिंह वालदिया स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ अगर कोई रुद्रप्रयाग वाला कैंडिडेट है और उसका अगर फिजिकल छूट गया तो उनका भी 3 मार्च को होगा। और ये कहाँ पर होगा, तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होगा। उसके अलावा कोई अगर टिहरी का कैंडिडेट है और उसका अगर यहाँ पर फिजिकल छूट गया है तो 3 मार्च 2019 को श्री पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम मुनि की रीति ऋषिकेश टिहरी में दे सकता है फिजिकल। इसके साथ साथ देखिए, अगर कोई अल्मोड़ा का यहाँ पे कैंडिडेट है और उसका अगर यहाँ पे फिजिकल छूट गया है तो वो 9 मार्च 2019 को HNB स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में दे सकते हैं। उसके साथ साथ चमोली के हैं अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट तो उनको 6 मार्च को स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर चमोली में फिर से फिजिकल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नैनीताल के कैंडिडेट हैं तो वो 20 मार्च 2019 को स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी निकट बस अड्डा हल्द्वानी नैनीताल में दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पौड़ी गढ़वाल के कैंडिडेट हैं तो वो 6 मार्च 2019 को शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जिन कैंडिडेट का यहाँ पे फिजिकल छूट गया है। इसके अलावा जो बागेश्वर के कैंडिडेट हैं उनका 3 मार्च 2019 को पुलिस लाइन मैदान बागेश्वर में यहाँ पे फिजिकल होगा। तो देखिए इसके साथ साथ एक नोटिस भी जारी किया गया कि यहाँ पे लिखा गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो इस अतिरिक्त दिन पर शारीरिक परीक्षण के लिए जाना चाहते हैं उन्हें अपने निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हो सकने के कारण वह उसके साक्ष्य सहित संबंधित जिले में उपस्थित होना आवश्यक है। तो देखिए आपको एक कारण बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं आप फिजिकल में पहुंच चुके थे, तो उसका अगर आपका कोई प्रूफ है तो आप ज़रूर लेके जाएं, तो आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके लिए एक और डेट निकाली गई है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। तो आप इन तिथियों पे जाकर के अपना फिर से फिजिकल दे सकते हैं।